इकबाल के एक और शाहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मुबशर अतर। मुबशर, मुबशर क्या करते हैं आप? जी मैं वीडियो एडिटर हूँ न्यूज़ चैनल के अंदर। न्यूज़ चैनल के अंदर? अच्छे न्यूज़ चैनल के अंदर? हाँ जी माशाल्लाह। बता सकते हैं या नहीं? जी बता सकते हैं। जी एनएन न्यूज़ के अंदर, इससे पहले मैंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क में किया। अच्छा, और दीगर चैनल्स में भी किया हुआ। माशाल्लाह, जीएनएन कैसा चैनल है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अपने वर्कर्स को फैसिलिटेट करता है और काफ़ी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है और सैलरी टाइम से। आज भी मुझे सैलरी मिली हुई थी तो आज फैमिली वगैरह को लेके आया था। सैलरी मिली साथ ही मॉल पहुँच गई शॉपिंग कर। जी बस ऐसी है, जारी बात है, आए तफरी वगैरह तो ज़रूरी है। जो बंदा सैलरी पे चलता है वो महीने में कितने दिन जो है कितने दिन बाद खाली हुआ होता है? समझ लें उसके स्टार्टिंग के 5-10 दिन ही होते हैं जो वो अयाशी करते हैं, उसके बाद वो अगली एक तारीख की दुआनी है बस ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट एंकर पर्सन क्यों है, कौन सा है, क्योंकि आप एडिटिंग कर रहे होते हैं सारे एंकर्स की। जी एंकर काफ़ी हैं, मतलब मिसाल के तौर मुझे 10 तक के जोन से हैं वो मुझे बहुत पसंद है, रेहान तारिक साहब, उसके बाद अली आरिफ जोन्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है, वो बड़ा अच्छा। चैनल्स के बता रहे हैं? नहीं, मुख्तलिफ सिटी के हैं और मतलब मुख्तलिफ। और जो वेब चैनल्स पे काम कर जैसे कि उनका मतलब इतना पता नहीं क्योंकि मेरे ज़्यादा न्यूज़ का ही है तो न्यूज़ ही देखता हूँ। उसके अलावा मंसूर अली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो काफ़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्यार जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, शादी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर करियर? असल में मैं समझता हूँ कैरियर ज़्यादा ज़रूरी है, कैरियर होगा तो आपको हर कोई प्यार करेगा, वरना प्यार एक हद तक रहता है, एक वक्त पे आके प्यार ख़त्म हो जाता है। जब बोलता है ऐसा बोलता है, कैरियर होगा तो इंसान पे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। मुझे बताएं आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट, मज़ेदार सा कोई गाना, कोई शायरी, कोई भी ऐसी चीज़? वैसे मुझे गिटार का शौक है लेकिन अवेलेबल नहीं। डोंट हैव एनी गिटार राइट नाउ। जी वैसे गिटार का शौक है, उसके अलावा ऐसा वैसे नहीं। तो अच्छा कोई आप अपना शायरी का भी है थोड़ा बहुत शायरी सुनाए ना जैसे? जी जी एक शेर है, मतलब वो मैं सुनाया था, जो मुझे कलेक्शन है काफ़ी मतलब, लेकिन उसमें से मुझे एक ये पसंद अच्छा। है कि कितना अजीब प्यार है ना ये, ठीक है ना जी, कितना अजीब प्यार है ना ये, दिल तकलीफ़ में है और तकलीफ़ देने वाला दिल में, मतलब काफ़ी डीप है अगर समझाए, मतलब इस किस्म के दुखी शायरी पसंद है मुझे। क्यों इतने दुखी क्यों हैं आप? बस मतलब हर किसी का अपना एक वो होता है, पसंद होती है, एक टाइप रहती है। मुझे चुटकुले वगैरह मतलब ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन मतलब संजीदा रहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, आपकी लाइफ ही ऐसी होनी चाहिए, इंजॉय एक हद तक, लेकिन आपको सीरियस रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आपने माशरे में कैसे जीना है। हंसी मजाक जो सा ना वो मैं समझा, क्यों नहीं बन जा? नहीं बस मुझे ऐसे ही रहना पसंद है जी। सर अच्छा लगा गपशप लगा, कुछ और कहना चाहें? जी बस मैं यही कहना चाहूँगा, आवाम को भी मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल के जो हमारी मेरे जैसे बच्चे हैं और यूथ है, यंगस्टर हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने करियर पे फोकस दें, फजूल गैदरिंग वगैरह से इज्तनाब करें, माँ बाप का सहारा बने, माँ बाप को मतलब खुशी प्रोवाइड करें, ना कि ऐसे जारी बात है आजकल के जैसे यूथ ड्रग पर लग रही है और जैसे कि तेज़ ड्राइविंग करना और ये वो, जारी बात है। ठीक है बस, ठीक है सर, थैंक यू।